ए फेर इज ए कैमल फेर एंड पुष्कर, पुष्कर के ऊन मिलेगा बर्मन। लास्ट ईयर वन टू विजिट माई अंकल इन अजमेर इन अक्टूबर कार्तिक नंबर एज आई एम वेरी मच ए विजिटिंग फेस आई आस्क माई अंकल टेल मी द नेम हेल इन अवर स्टेट ही टोल्ड मी दैट इन अवर स्टेट डिफरेंट टाइप ऑर्गेनाइज और डिफरेंट ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द ईयर बनेश्वर धाम इज ए डूंगरपुर गंगोर फेर द बाबा रामदेव फेर टू रामदेव जैसलमेर द कर्नाटक फेर और द दैष्णोक बीकानेर। ये क्या कह रहे हैं कि पिछले साल कार्तिक माह में अक्टूबर में मेरे चाचा के पास अजमेर के भ्रमण करने के लिए गया। जैसे कि मेलों में भ्रमण करने में मैं बहुत रुचि रखता हूँ, मैंने अपने चाचा से हमारे राज्य में आयोजित होने वाले मेलों के नाम मुझे बताने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे राज्य में पूर्व में भिन्न भिन्न मौके पर भिन्न भिन्न मेलों का आयोजन होता है। डूंगरपुर का बनेश्वर धाम और जयपुर का गणगौर मेला, रामदेव मेला, जैसलमेर का बाबा रामदेव मेला, देशनोक बीकानेर करणी माता का मेला, चित्तौड़गढ़ का मेला माता मेला और कोटो का दशहरा मेला। और प्रत्येक साल में कार्तिक पूर्णिमा पर 25,000 कितने 25,000 कैमल्स अलोंग विद अदर ए लाइव स्टॉक सचे ओकेजन अधिक ऊंटों के साथ दूसरे पशुधन जैसे बैल घोड़े गाय और भैंसों का व्यापार किया जाता है। इससे ये संसार का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला बन जाता है। देखो इसमें दे रखा मेकिंग द वर्ल्ड्स द लार्जेस्ट कैमल फेयर। पुष्कर इज ऑल्सो नो एज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स। पुष्कर को मंदिर भी मंदिरों का भी शहर भी माना जाता है। देर आर अबाउट 500 टेम्पल इन द सिटी, मतलब 500 मंदिर में बर्मा मंदिर पूरे देश में विख्यात है। अनेक भक्त यहाँ प्रदेश भर से आते हैं। अमंग द टेम्पल बर्मा इज अबाउ फेमस अवर द कंट्री इज विजिटेड बाई वदर डेवलपमेंट एवरी ईयर। देर इज द फेमस पुष्कर लेक विच इन द विजिटेड बाई 1000 डेवलप डिवोटेड एवरी ईयर टू टेक ए होली डीप इन देर आर ए लॉट्स ऑफ रोज गार्डन्स इन विच वायरस टाइप ऑफ रोजेज इन आर ग्राउंड एंड शोल्ड। क्या कह रहे हैं, पुष्कर का मेला इन दिन मंदिरों में मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में लगभग 500 मंदिर हैं, इनमें से बर्मा मंदिर है पूरे देश में विख्यात है और अनेक भक्त यहाँ प्रत्येक वर्ष से आते हैं। और जो प्रसिद्ध पुष्कर झील है वहाँ पे प्रत्येक हजारों भक्त एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए भ्रमण पर आते हैं। यहाँ गुलाब के फूलों के अनेक बगीचे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के गुलाब के फूल उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। कल्चर शो द एग्जीबिशन आर द ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन द फेयर टू मेक ए इट्स लवली इंजॉयबल मेक वर्ड माउस टेज एंड ब्राइडल कॉम्पिटिशंस आर ए सम मैन द अट्रैक्शन ऑफ द कैमल फेयर। बिसाइड दिस कैमल आर ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज एन। क्या कह रहे हैं कि जो इस मेले को जीवंत आनंद प्राप्त करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है और मटकी फोड़ मूछ ब्राइडल वधु विषयक प्रतियोगिताएँ इस में ऊँट मेले में मुख्यतः आकर्षक हैं। और इनके अलावा ऊँट की सुंदरता प्रतियोगिता इस मेले में रुचिकर कार्यक्रम है। भली भांति सजाए गए नाश्ते जुलूस निकालते दौड़ते हजारों स्वदेशी पर्यटक उन्हें दिखते हैं। अब जो आता है अपना इंटरेस्टिंग इवेंट द फेयर ऑफ द डेवलप डेकोरेटेड देन देन द डांस परेड देन रन द 1000 नेटिव एंड ऑर्किड वायरस वॉज देम। ये कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे चाचा मुझे शानदार ऊँट मेले में ले गए। मेला स्थल पर पहुंचकर हमने अनेक ऊँट घोड़े भैंसे आदि देखे। हमने मिठाइयाँ फल खाद्य पदार्थ खिलौने अंकल देखो ये ऑन द कार्तिक पूर्णिमा माई अंकल टू ग्रांड कैमल रिचिंग फेर द साइड दो
lots of camel, buffaloes, etc. We also row shop and selling sweets, foods, eatables, toy and crockery, shoes, pots and pans, jewelry, etc. There were people almost the castes and creeds. There they were in their attractive clothes and look cheerful. Children and adults enjoyed swinging in the merry go rounds, watching films, circus and puppet show. The fair, the wonderful presented a wonderful the scenes. I bought some toys and sweets for my brother and sister. We all returned home happily. Really, a fair is a palace of merry making, increasing our knowledge about the culture and meeting various people. Everyone of you should visit fair when they held in our your neighborhood. क्या कह रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा में के दिन मेरे चाचा मुझे शानदार ऊँट मेले में ले गए। मेरे अस्थल पर पहुंचकर हमने ऊँट, घोड़े, भैंस आदि देखी। हमने मिठाइयाँ, फल, खाद्य पदार्थ, खिलौने, क्रॉकरी व जूते, धातु के बर्तन, आभूषण आदि बेचते हुए दुकानों की कतारों को देखा। वहाँ पर लगभग सभी जाति, सभी धर्मों के लोग थे। वे अपनी आकर्षक पोशाकों में थे तथा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। बच्चों तथा वयस्कों ने झूला फिल्मों को देखने में, सर्कस कठपुतलिया का प्रदर्शन देखने में आनंद लिया। मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत किया। मैंने मेरे भाई बहन के लिए खिलौने, मिठाइयाँ खरीदी। हम सभी पर घर पर खुशी खुशी लौट आए। वास्तव में मेला आमंद प्रमोद का एक ऐसा स्थान है जो हमारी संस्कृति के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाता है, अनेक लोगों से मिलवाता है। प्रत्येक मेलों का भ्रमण करना चाहिए जब भी आपके नज़दीक में आयोजन किया जाता है। देखो बच्चों, हमने पढ़ा कि मेले क्या होते हैं। मेले हमारे वास्तव जो जीवन होते हैं उसमें हमें आनंद प्रमोद करते हैं। मतलब हमें मेलों में सबसे हम मिलते हैं, झूला झूलते हैं हम। तो ठीक है बच्चों, आपने ये मैं पूछकर जो अपना मेल है उसके बाद में आपने पढ़ा कि पुष्कर के ऊँट मेले का जो वर्णन है आपने पढ़ा, बहुत ही रुचिकर कहानी है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको समझ में भी आ गया होगा ये लेसन।